हे वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। तो अभी जो ये आपने हेलीकॉप्टर जाते हुए देखा है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, मतलब कि हमारे सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जा रहे थे। उनका आज यहाँ पे आगमन था, मतलब वो आज यहाँ पे आ रहे थे, तो आए थे और जा रहे हैं। तो ये उनका हेलीकॉप्टर था जो अभी उड़ के जा रहा था। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं अपने व्लॉग डालूंगा सुबह 8:30 बजे। शाम का जो टाइमिंग है वो मैंने चेंज कर दिया, अब से मेरे व्लॉग आएंगे सुबह 8:30 बजे के आसपास। कहाँ जा रहे हो? गदरपुर। क्या करने? मेरा एक कोरियर भी आएगा ले आना। निकल चुका है, पहुंच गया होगा, क्या पता। बाय बाय रॉकी, टाटा। हम भी चल रहे हैं गदरपुर। अरे ये कैसे सो रहा है? रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। चलो बाय, आराम से जाना। इसको देखो, ये है कैसे छोला था, ये मस्ती चढ़ी हुई है तेरे को। ए टाइसन, ओ टाइसन, ओ ओ हटा दो उसे। अभी हम गाड़ी की सफाई करेंगे, और ये कवर तो हम डालते नहीं हैं, इसलिए कवर को हटा ही रहे हैं। डालते हैं मतलब अभी नहीं डाल रहे ना, अब मैं इसकी सफाई करता हूँ, ठीक है। क्या धूल हुई भी है ना, खतरनाक। बाप रे, कहाँ है इसका झाड़ू मारो यंत्र मेरा। ये देखो, एक दो, ये अरे बाप रे। तो गाड़ी तो मैंने साफ कर ली है, अभी मैं क्या हूँ ना, टाटा अल्ट्रोस के बारे में एक मस्त वाला रिव्यू देने वाला हूँ। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात आप लोगों को बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग टाटा अल्ट्रोस लेना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं एक अच्छी गाड़ी लेने की, तो उनके लिए है, इसके बारे में एक मस्त चीज़ बताऊँगा। तो बने रहे वीडियो के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर, मतलब एक मतलब खाली सी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैं हाँ वीडियो को बना पाऊँ। घर में एक जगह क्या बनाऊँ, तो मतलब बड़ी छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, तो एक खाली सी जगह पे जाके बनाते हैं। तो अभी शिप्रा को लेके जा रहा हूँ, तो शिप्रा कैमरा संभालेगी और मैं बोलूंगा, तो वो अच्छा रहेगा, है ना? Yes. तो अभी ये खेत पे आ गए हैं हम, एक अंकल का खेत है, हमारे जान पहचान वाले अंकल हैं। तो अल्ट्रोस के बारे में मेरे को क्या बताना था, हम लोगों को इसको लिए हुए एक साल हो चुका है, एक साल ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गए हैं। गाड़ी सबसे जबरदस्त मेरे को ये लगी है। इसके बारे में जो चीज बतानी थी वो ये बतानी थी, ये चीज यहाँ दिखाओ, पास आओ, पास पास, ये देख रहे हो ये स्क्रैचेस वगैरह, और पास आओ, और पास, और पास, ये स्क्रैचेस वगैरह देख रहे हो, दिखाओ। गाड़ी में ये स्क्रैचेस वगैरह हैं, ये है, फिर यहाँ पे भी है ये। तो क्या हुआ ना, जिस दिन हम लोग इसको लेने जा रहे थे गाजियाबाद, और वापसी में जब इसको लेके आ रहे थे, तब एक बस वाले ने इसमें ठोका। तो गाजियाबाद से लौटते समय क्या हुआ था, बहुत तगड़े वाला जाम लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाला जाम। तो उसमें ये गाड़ी को एक बस वाले ने, एक क्या नाम है, ऑरेंज कलर की बस थी, उसने ठोक दिया, मतलब रगड़ के निकल गई। तो रगड़ने से क्या हुआ ना, आगे से रगड़ा, इस जगह से रगड़ती हुई ऐसे चली गई, और इतनी खतरनाक वो रगड़ थी, ऐसा रगड़ा था उसने कि अगर अल्ट्रोस गाड़ी ना होती, कोई और गाड़ी होती, तो ये मान लो इसकी ये पूरा लाइट चले जाता, ग्लास टूट जाता, और ये चीज़ जो है यहाँ से लेके आता कि बाहर आ जाता, इतनी खतरनाक वाली रगड़ लगी थी उसकी। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी जिसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि रगड़ तो इसने खा ली, रगड़ इसको लग गई, लेकिन कुछ भी इसमें अंदर नहीं हुआ, मतलब ना टूटा, ना अंदर को दबी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रगड़ के मतलब घिस्से के निशान लग गए हैं यहाँ पे, लेकिन ना अंदर को दबी है, ना टूटा है, किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात मेरे को क्या लगी पता है, इसका ये ग्लास, ग्लास में भी बहुत खतरनाक वाली रगड़ लगी है, वो भी बच गया। मतलब मान लो एक अच्छी क्वालिटी का जो हेलमेट होता है ना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और रोड पर रगड़ लग जाए, तो उसी क्वालिटी का ये ग्लास भी है, बच गया, मतलब फटका लग जाता हम लोगों को बढ़िया वाला,
इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ जाता, लेकिन बच गई कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी ये रगड़ वगैरह हुए हैं तो इसको तो छोटा मोटा है, गाँव वाला सीन है, गाँव में तो लगती रहती हैं सारी चीज़ें, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दूंगा, क्लेम नहीं करूँगा इंश्योरेंस को। और बाकी यही बोलना था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई एक नंबर है, गाड़ी तो टिप टॉप है भैया चलाने में, मैं खुद चलाता हूँ, मेरे को तो मस्त लगता है, पापा का एक साल का एक्सपीरियंस है इसको चलाते चलाते। दूसरी गाड़ियाँ पापा को पसंद नहीं आई, इसको चलाने में पापा बोल रहे हैं बाप रे दब के चलती है, एकदम रोड पे खतरनाक चलती है, खतरनाक। तो ये बताना था मेरे को आप लोगों को इसके बारे में, बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में बताऊं, क्योंकि शिप्रा को लेके आते समय एक्सीडेंट हुआ था और उसमें ये चीज़ हो गई थी हमारे साथ। तो अभी कुछ सिनेमैटिक दिखा देता हूँ अपनी गाड़ी का, उसको एंजॉय करना। तो अभी यहाँ वीडियो बनाने आए हैं, उधर देखो पीछे चाचा आ रहे हैं ट्रैक्टर लेके, उनके साथ साथ रोकी भी भागता हुआ आ रहा है, खेत जा रहा है ना, तो जब भी ट्रैक्टर चलता है रोकी पीछे पीछे उनके लग जाता है खेत जाने के लिए, तो अभी आ रहा है, मैं उसको पकड़ूंगा देखना उसको पकड़ूंगा। इसने पकड़वाया रोकी कैसा लग रहा है, रोकी कैसा लग रहा है, अब जा अब खेत में जाओ, जाओ खेत में, चल अब चुपचाप घर चल। अरे यार कूद गया था वो, मतलब भागने की सोच रहा था पूरा, कैसे कैसे पकड़ा मैंने, अब ले चलो इसे घर, चले ओ रोकी चलो चलो अब घर चल रहे बेचारा खेत जाने वाला था घूमने हमने पकड़ लिया रास्ते से बेचारा सदमे में, लेकिन हंस रहा है, खुश है, गाड़ी में बैठा है ना। ए रोकी रे पीछे देख रहा है, खेत में जाना था। ए रोकी नजारे देख रहे हैं बाहर के, मजे ले रहे हैं, ए रॉकी मजा आ रहा है, बहुत ही मजो आ रहा है बेचारा खेत जा रहा था रास्ते में से पकड़ लिया बेचारे को क्या हुआ सब बढ़िया, वो देख फिर चढ़ गया, आजा 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 आजा, अरे कैचा ला कैचा लगा तेरे को मम्मी, खेत में जा रहा था भागता हुआ रास्ते से उठा लिया रास्ते से उठा लिया, भागने की कोशिश कर रहा था भाग ही नहीं पाया बेचारा बीच रास्ते से उठा लिया बेचारे को ये मजे बल्ले बल्ले मजे आ गए, ये मजे आ गए मजे आ गए मजे आ गए, ये तो भैया हमने खरीदी है, यहाँ हो गई है सर्दियाँ चालू, तो उसके लिए खरीदी है जैकेट मिंत्रा से, दिखाते हैं भैया। अरे यार कागज़ तो बड़ा उसका सही रहता है, ओके एक पहला जैकेट आ गया, ये तेरे जैकेट, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही है, छोटी लग रही है, ज्यादा एक नंबर छोटी, पक्का छोटी लग रही है, छोटी लग रही है, हाँ ये थोड़ी सी लूज होनी चाहिए, कहाँ से हाथ से यहाँ से ये लंबाई में भी। डबल एक्सएल ऑर्डर करी थी, ये एक्सएल आ गई, अब रिटर्न माननी पड़ेगी रिप्लेस, क्या यार किस्मत खराब है ठीक है पहनो तो मैं देखो तो कैसी लगेगी, छोटी है साइज फिट है,
पापा पे तो फिट आ रही है। कैप वाली रख लो। पापा पे सही आ रही है? हैं? पापा पे सही आ रही है? हम्म, रख लो, मैं दूसरी ले लूंगा। पीछे से दिखाओ तो, पीछे से मस्त है। एक नंबर बड़ी ही है। हैं? एक पापा के लिए भी एक है। एक नंबर बड़ी। ओ मैं तो हीरो, ओ मैं हूँ हीरो। बताओ पापा क्या करना है, यही रखनी है, एक नंबर बड़ी मंगानी है? एक नंबर बड़ी मंगाओ। ठीक है, तो सारे लोग बोले एक नंबर बड़ी मंगाने के लिए, तो ठीक है रिप्लेस मार देता हूँ, एक नंबर बड़ी मंगाता हूँ। हैं, अलग अलग कलर की मंगा लेते हैं। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो आप अपने दोस्तों को बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन मम्मी बाय बाय, मार दो ये, बाय बाय।